हेलो जी, आप देख रहे हैं चैनल भूखा सांड और आज आपको ऐसी पांच चीजें दिखाएंगे जो हर फूडी को अपनी लाइफ में एक बार खाना जरूर चाहिए। जी हाँ, कौन सी है वो चीजें, चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। मेरे पीछे है लोटन जी और मैं इस वक्त हूँ दरियागंज न्यू दिल्ली में। जी हाँ, देखिए कैसे एकदम खचाखच भीड़ लगी है और मेरे जैसे फूडीज यहाँ पे छोले कुलचे इंजॉय करते हुए। यहाँ का गूगल मैप लोकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा कैमरा भी घुमाएंगे, आपको एरिया समझ आ जाएगा। देखिए आप बड़े आसानी से यहाँ गाड़ी स्कूटर पे भी आ सकते हैं और आप देखिए जब मैं ये कैमरा घुमा रहा हूँ यहाँ पे महंगी गाड़ियों वाले भी आपको खाते दिखेंगे, छोटी गाड़ियों वाले भी खाते दिखेंगे, स्कूटर बाइक वाले भी खाते दिखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये लोटन जी। वैसे इनके तीन आउटलेट्स हैं दिल्ली में। जी हाँ, एक यहाँ पे दरियागंज, दूसरा चावड़ी बाजार, तीसरा कृष्णा नगर। जी हाँ, ये तीन जगह पे इनके आउटलेट्स हैं लेकिन हम आए हैं दरियागंज में और यहाँ के टाइमिंग सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है और संडे को 12 बजे से पहले आए, अदरवाइज़ माल ख़त्म हुआ भी मिल सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे तैयार होते हैं छोले कुलचे। तो लीजिए छोले कुलचे लगते हुए, ये देखिए ये मिर्च जा रही है, ये आपकी मर्जी है, लाइट लीजिए, मीडियम लीजिए या स्पाइसी लीजिए। आपको सजेस्ट करूँगा अगर मिर्चे नहीं खाते तो बिल्कुल लाइट लीजिए, अदरवाइज़ मेरे जैसे हैं तो मीडियम। और ये देखिए दोबारा बनते हुए, सारा खेल मिर्चों का है। ये चटनी गई इनकी, ये जो मिर्च है, जी हाँ ये तैयार हो गया है बिल्कुल। लीजिए वाह, कलाकारी देखिए आलू डालने की। और ये हमारे लिए तैयार होता है वो मीडियम मसाले में, ये देखिए। तो लीजिए ये मीडियम छोले तैयार हो गए हैं हमारे लिए। तो मेरे हाथ में ये जो कॉम्बो है इसकी टोटल कॉस्ट है 60 रुपये। 40 रुपये के ये छोले कुलचे हैं, 15 रुपये का मैंने ये मक्खन में तैयार कराया है, अमूल मक्खन 15 रुपये उसके, और ये 5 रुपये, जी हाँ ये छोलों का सूप कह लीजिए। ये देखिए ये सर्दियों में ठंडे मौसम में अगर आप इसको पिएंगे नज़ारे आ जाएंगे। अब मैं थोड़ा आपको छोले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि अगर आपने कभी लोटन जी नहीं खाए तो छोले के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए पतले पतले अदरक धनिया और ये देखिए ये छोले, ये देखिए। और हमने आपको ये पत्तल तैयार होते हुए दिखाया था, उसमें एक लाल रंग की चटनी टाइप, जो चटनी नहीं थी बेसिकली, वो लाल रंग की मिर्चें तैयार की हुई है। तो आपके ऊपर है, अगर आप मिर्चें नहीं खाते पहले तो इससे पंगा ही ना लें, अगर आप मिर्चें खाते हैं, कम खाते हैं तो आप इनका जो बिल्कुल लो वाला है, बिल्कुल लो वाली मिर्चें वो लीजिए। अगर आप मेरे जैसे मिर्चों के शौकीन हैं आप मीडियम लीजिए, और अगर आप इतनी मिर्चें खाते हैं, इतनी मिर्चें खाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, तो इनका स्पाइसी वाला लीजिए। मैं बहुत मिर्चें खाता हूँ, बहुत मसाले खाता हूँ, तो मैं भी अपने लिए हमेशा मीडियम ही बनवाता हूँ, सबसे तेज़ मिर्चों वाला नहीं बनवाता। तो चलिए, आहा बढ़िया सी बाइट बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए टेक्सचर देखिए छोलों का, ये देखिए ये छोले आलू कुलचा, पतले पतले कुलचे हमने अमूल बटर में एकदम तैयार करवा लिए हैं, छोलों में भी बटर है। वाह, स्पाइसी है, मसालेदार है, कुछ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत हेट करते हैं। आप एक बार खा के देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं, मसालेदार चटकारेदार स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आप मेरे जैसे फूडी हैं तो लाइफ में एक बार
लोटन जी के छोले कुलचे जरूर खाने बनते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं करोल बाग में। जी हाँ, करोल बाग में मेरे पीछे है केबी चाट वाला। जी हाँ, करोल बाग चाट वाला, और इनका स्पेशल है मूंगलेट। जी हाँ, आपने अपनी लाइफ में चीला जरूर खाया होगा, शादियों में स्टॉल बड़ा कॉमन होता है चीला का, लेकिन यहाँ पे मूंगलेट है। जी हाँ, आपको दिखाते हैं क्या स्पेशलिटी है, क्या खास है, और ये भी बटर मार के खिलाया जाता है। आओ आपको दिखाते हैं ये बनता कैसे है। ये ऑनियन, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, ये देखिए आप। ये डबल बटर, तो गाइस चम्मच। टाइमिंग्स क्या रहती है भैया? दोपहर 1 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। दोपहर के 1 रात को 10 बजे तक। 10 बजे तक। और किसी दिन कोई छुट्टी वगैरह नहीं? 7 डे ओपन है। 7 डे ओपन है। हाँ, नॉर्मल जो है इसमें दो चटनियों वाला जो है वो है 100 रुपीज का, और जो स्पेशल है जो विद खजूर चटनी है उसमें, और डबल बटर है, वो 120 का है। 120। तो अभी हमने आपको दिखाया ये कैसे तैयार किया जाता है और क्या क्या डलता है, आपको ये दिखाते हैं। देखिए क्या रूप निखर के आया है, ये देखिए गोल्डन क्रिस्प कर दिया गया है। 3 टाइप की चटनी है, खजूर की, अमचूर की, धनिया पुदीने की। जी हाँ, और इसकी कीमत, ये मक्खन डाल के, अच्छे से मक्खन डाल के, इसको स्पेशल कहते हैं, स्पेशल मूंगलेट। नॉर्मल मूंगलेट 100 रुपये का, स्पेशल 120 रुपये का, बढ़िया मक्खन मार के। चलिए अब ये देखिए, वाह बहुत ज़्यादा गर्म है। खजूर की चटनी के साथ देखते हैं इसको। वाह, मैं ये कहूँगा इसको अगर आप बिना चटनी के भी ट्राई करेंगे तब भी काफ़ी फ्लेवरफुल है। चीला बहुत ही लाइट होता है, ये थोड़ा हैवी है, और ये खाने के बाद आपका पेट भी भरेगा। तो एक चीज़ आपने मिस नहीं करनी है इस ज़िंदगी में, अगर आप फूडी हैं तो आपको पता है आपने एक बार मूंगलेट ज़रूर ट्राई करना है, करोल बाग वाला। तो हम ऐसे छोले भटूरे खाने आए हैं और आपको दिखाने आए हैं जो ज़िंदगी में एक बार आपको ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली वाले हैं और दिल्ली वालों को छोले भटूरे के बिना उनका संडे पूरा होता नहीं है। जी हाँ, हम हैं इस वक्त ईस्ट दिल्ली में शादरा छोटा बाज़ार में अफीम वाले छोले भटूरे। तो जो सबसे फेमस आउटलेट है वो है छोटा बाज़ार शादरा ईस्ट दिल्ली का, लेकिन 15 अगस्त की वजह से वहाँ पर टेबल पे खाना सर्व नहीं किया जा रहा, सिर्फ पैकिंग है। इसलिए हम वहाँ से आधा किलोमीटर दूर विश्वास नगर आए हैं, जो इनका दूसरा आउटलेट है। जी हाँ, पीछे इनका दूसरा आउटलेट है। यहाँ पर आराम से हम आपको दिखाएँगे कैसे इनके छोले भटूरे बनते हैं और क्या लजीज क्यों हैं इतने फेमस। आइए दिखाते हैं। तो 80 रुपये की ये प्लेट है जिसमें 2 भटूरे, छोले, ये देखिए छोलों का टेक्सचर देखिए बिल्कुल ही अलग है। आप देखिए जो दिल्ली स्ट्रीट फूड में मिलते हैं बिल्कुल उससे अलग हटके। साथ में ये चटपटे आलू है, ये मिर्च का अचार है, प्याज है, और ये देखिए पतले पतले
भटूरे, ये देखिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए अब इसको इंजॉय करते हैं। तो मैं तो ये आई गेस 4 साल बाद शायद खा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दूर है मेरे घर से, मौका नहीं लगता। और ये इनकी नई ब्रांच खुल गई है, वरना जो छोटे बाज़ार शादरा में होता था वहाँ आप 9-9:30 बजे मैक्सिमम 10 बजे तक वहाँ माल ख़त्म हो जाता है, और 9-10 बजे तो हम सो के उठते हैं। तो लीजिए बाइक, चीयर्स। इसको अफीम वाले छोले भटूरे इसलिए खाया जाता कहा जाता है क्योंकि जब आप इसको खाते हैं ना, तो आपका ना दोबारा मन करता है बार बार खाने का। वैसे तो शर्मा जी दुकान है नाम की, अफीम वाले इसलिए क्योंकि आपको क्रेविंग होती है कि यार मैंने दोबारा खाना है। और मैंने जब फर्स्ट टाइम खाए थे, सही में नेक्स्ट डे मेरा मन कर रहा था मैं दोबारा आऊँ यहाँ और खाऊँ। अब इतने सालों बाद खा रहा हूँ, टेस्ट में ज़रूर फ़र्क आया छोलों में। आज जो ये छोले हैं काफ़ी तेज मिर्च वाले हैं, मसालेदार हैं, और ये काफ़ी स्पाइसी है। जी हाँ, काफ़ी स्पाइसी हो गए हैं, मसालेदार। लेकिन प्रिपरेशन स्टाइल वही है, सर्विंग स्टाइल वही है। मैं आपको यही कहूँगा, देखिए छोले भटूरे दिल्ली के स्ट्रीट फूड की जान है। हर चौक नुक्कड़ पे आपको मिल जाएंगे, हर एरिए के अपने फेमस छोले भटूरे वाला है, और दिल्ली में इतने सारी जगहों पे इतने सारे फेमस हैं। लेकिन ये जो इसका टेस्ट है, इसका प्रिपरेशन है, वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइफ में एक बार ये वाले छोले भटूरे ज़रूर खाएं। तो हम पहुंच गए हैं इस वक्त पुरानी दिल्ली के भगीरथ पैलेस, जो बिल्कुल लाल किले के सामने है, और वो देखिए मनोहर ढाबा, यहाँ मिलता है शानदार समोसा। तो लीजिए लाजपत राय मार्केट, जो कि लाल किले के बिल्कुल सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से, ये हम आए हैं यहाँ का मशहूर। जी हाँ, पूरे इंडिया में बहुत नाम है इसका, इसका नाम है जापानी समोसा। छोले और ये देखिए लेयर्स वाली पैटी, पैटी की लेयर्स देखिए, ये 60 लेयर्स हैं, और इसके अंदर आलू की स्टफिंग है, और इस पूरी प्लेट की कॉस्ट है 40 रुपये। और आपको बता दूं, ये बेग नहीं है पैटी की तरह, ये फ्राइड होता है, और ऐसे लगाए छोले। और क्रंच देखिए, इतना क्रंची, ओह दिस इज मस्ट ट्राई। मैं ये 3 साल बाद खा रहा हूँ, मज़ा आ गया 3 साल बाद खा के, बहुत बढ़िया है। अभी भी मुझे, मैं ये कहूँगा कि मुझे पहले से ज़्यादा स्वाद इस बार आया। तो ये समोसा देख के आपको लग ही रहा होगा कि लाइफ में ऐसा समोसा तो एक बार खाना बनता है। तो हम हैं इस वक्त करोल बाग न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे बड़ी ही लजीज टिक्कियाँ मिलती हैं। जी हाँ, स्ट्रीट फूड की टिक्कियाँ, लेकिन यहाँ की टिक्कियाँ कुछ अलग हैं। अगर नहीं खाई है आपने तो लाइफ में एक बार खाना जरूर बनता है। दिखाता हूँ कैसी हैं वो टिक्कियाँ, आइए मेरे साथ। तो देखिए जो स्पेशल चीज़ मैंने बोली थी, ये देखिए शेप, देखिए ये है टिक्कियों की शेप, दिल की शेप में तैयार हुई हुई, और ये तैयार हो रही हैं तवे पे। और कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है भैया, ऑयल कौन सा यूज़ कर, रिफाइंड ऑयल कौन सा, डालडा में, डालडा में तैयार किया जाता है। चटनी जी, हमारी चटनी, चटनी कस्टमर चटनी खाने आते हैं, ये गुड़ से बनती है, चीनी का इस्तेमाल नहीं होता इसमें, और जो इसमें खट्टा होता है वो ड्राई मैंगो अमचूर जो होता है उसका खट्टा होता है, बाकी सारे हरे मसाले, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक वगैरह, ये सारे प्योर, कोई कलर नहीं है, नेचुरल चटनी है। ये चटनी खाने आए कस्टमर यहाँ पर आते हैं। टाइमिंग जी, दुकान सवेरे 10 बजे स्टार्ट हो जाती है और रात को 10 बजे तक। किसी दिन कोई छुट्टी, छुट्टी महीने का आखिरी सोमवार, लास्ट मंडे छुट्टी होती है। तो आपको दुकान की टाइमिंग्स और चटनी की खासियत का तो पता चल गया है। अब ये देखिए कितनी प्यारी है, ये देखिए अगर वैलेंटाइन डे हो तो अपने पार्टनर को यहाँ लेके आए, ये देखिए मज़ा आ जाएगा ये टिक्की का। देखिए कितनी प्यारी शेप है इसकी, और ये देखिए कितनी क्रिस्प है, ये देखिए अभी बनी है, ये देखिए कितनी क्रिस्प है, और मुझे क्रिस्पी वाली ही टिक्कियाँ पसंद हैं। ये देखिए अंदर से सॉफ्ट,
बाहर से सुपर क्रिस्प। और ये देखिए, हा 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 हा, ये देखिए, अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ये देखिए कितनी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए जीरा नज़र आ रहा है, ये जैसे दाल होती है, दाल की स्टफिंग है, तो इसको देखते हैं। आ हा हा, मैं सही कह रहा हूँ, हम यहाँ टिक्की के लिए आए हैं, लेकिन आप टिक्की तो खाइए खाइए, एक बार इनकी चटनी खाएंगे ना दीवाने हो जाएंगे, दीवाना करने वाली चटनी है इनकी, और हर किसी के बस की नहीं है ये चटनी बनानी। बाहर से सुपर क्रिस्पी वाली टिक्की, अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम, मज़ा आ जाएगा खा के। और इसकी कीमत है 80 रुपये, 80 रुपये की प्लेट। मज़ा आ गया भाई, बहुत दिनों बाद आया हूँ, वीडियो के लिए आया, लेकिन मज़ा आ गया। सारा खेल इनकी चटनी का, सोने पे सुहागे वाला काम करती है। और मैं यही कहूँगा, लाइफ में एक बार अगर आप फूडी हैं, दिल्ली घूमते हैं, तो आपने सिंधी कॉर्नर पे ज़रूर आना।